एनसीपी की नई कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के बयान से एक बार फिर सियासी पारा बढ़ सकता है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अजीत पवार महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने अजीत पवार को दरकिनार किए जाने से भी इनकार किया। उन्होंने ये मुद्दा ऐसे वक्त में छेड़ा है जब महाविकास अघाड़ी के सदस्य दल यानी एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर मैं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल को रिपोर्ट करूंगी, जबकि राज्य में मैं अजीत पवार, छगन भुजबल और जयंत पाटिल को जानकारी दूंगी। ये सच नहीं है कि अजीत पवार को नजरअंदाज किया गया है। वो विपक्ष के नेता हैं जो मुख्यमंत्री के पद के बराबर होता है। अटकलें थी कि एनसीपी में बदलाव के बाद अजीत पवार नाखुश हो सकते हैं। सतारा में अजीत पवार ने कहा, मैं 1991 में 6 महीनों के लिए सांसद था और राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का तरीका देखा है। उस अनुभव के आधार पर मैंने प्रदेश स्तर पर काम करने का फैसला किया और 3 दशकों से महाराष्ट्र में काम कर रहा हूं। मुझे एहसास है कि मेरे काम करने का तरीका राष्ट्रीय स्तर के लिए ठीक नहीं है। ये सही नहीं है कि पार्टी में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मैं विपक्ष का नेता हूं और ये बड़ी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।